नमस्कार फ्रेंड्स, का की मुद्रा, ये मुद्रा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। का की मतलब पता है, कौवा। का की मुद्रा इसलिए नाम रखा है, कौवा को आप जानते हो, कौवा हमेशा हेल्दी रहता है, एकदम तंदुरुस्त अच्छा रहता है, उसका लॉन्ग लाइफ रहता है। ये वाला मुद्रा करे तो काकी की तरह, क्रो की तरह, कौवा की तरह आप हेल्दी रहेंगे, इसीलिए नाम रखा गया है। जैसे क्रो का बीक देखा है, उसका चोच, उसका नोज ऐसा शार्प रहता ना, ऐसे पोज में हम ये मुद्रा करेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये का की मुद्रा से बहुत सारे फायदा है, मैं डीप में ये वीडियो बताने जा रही हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर देविका भटनागर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इससे फ़ायदा काफ़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट फायदा। और इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को अच्छी तरह से डेवलप करता है। और थर्ड फायदा है, इट कीप्स योर बॉडी एंड माइंड कूल, बॉडी को माइंड को दोनों को कूल रखता है। इसका मतलब नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन, नो एंग्जाइटी, ऑटोमेटिक गायब। एंड फोर्थ वाला फ़ायदा है, आपका लाइफ हेल्दी एंड लॉन्ग रखता है, लंबी उम्र और एकदम हेल्दी उम्र, हेल्दी लाइफ रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बहुत ही हाई रहता है इसमें। जब काकी मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बहुत हाई, मीन्स मेमोरी बहुत शार्प रहता है। और लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है काकी मुद्रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं ना, ये सिस्टम को पूरा कंट्रोल करके अच्छी तरह से हेल्दी रखता है। इतने सारे फायदा है, फिर काय के लिए देर कर रहे हम, सीखेंगे। कब कौन कर सकते हैं काकी मुद्रा? सब जने कर सकते हैं, मगर जिसको लो बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करना। काकी मुद्रा अपना बॉडी को माइंड को कूल करता है ना, लो बीपी वालों को ऑलरेडी लो रहता है, वो लोग नहीं करना चाहिए, वो लोग अलाउड नहीं है। और जिसको खांसी जुकाम है वो लोग अलाउड नहीं है। और जिसको आइस का प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा हो, यानी आई ऑपरेशन हो गया हो, वो लोग भी अलाउड नहीं है। बाकी लोग कोई भी कर सकते हैं। कौन सा आसन में बैठना है? आप नीचे ज़मीन पे एक योगा मैट लगा के बैठ सकते हैं, जैसे कि आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ये तीनों में कोई भी आसन जो पॉसिबल है वो लेके योगा मैट में बैठ सकते हैं। अगर नहीं बैठ सके तो चेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नीचे बैठना, चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। अपना स्पैन एकदम स्ट्रेट रहना है, स्पैन एकदम स्ट्रेट ऐसा बैठना है। और हाथों को चिन मुद्रा लेना है, चिन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा। सो ये दो फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर, ये दो फिंगर मिलाएंगे ऐसे, बाकी फिंगर स्ट्रेट रखेंगे। आप ऐसा देखें तो राउंड दिखेगा। तो ये वाला चिन मुद्रा आप अपना गोदी में रखिए, हैंड्स ऐसे टुवर्ड्स डाउन साइड, नीचे देखते हुए ऐसे गोदी में हाथ रखिए। रख के हम फर्स्ट स्टेप ये है कि मुंह को चोच ऐसे राउंड बनाएंगे, पहले ऐसे राउंड बना के सांस ले लेंगे, धीरे से लाल सांस ले लेंगे। सक एयर स्लोली एंड डीपली इनटू लंग्स, जितना हो सकता तो स्लोली लंग्स पूरा भर के सांस से लेंगे। सांस लेते वक्त हमारा फोकस पूरा टिप ऑफ द नोज इधर ही रहना है सांस लेते वक्त। सांस लेने के बाद हम पांच काउंट करेंगे स्लोली, 1 2 3 4 5 ऐसा पांच काउंट करके एयर को रोकेंगे, अंदर ही सांस को रोकेंगे। रोक के आँख बंद करके स्लोली सांस को नोज से रिलीज करेंगे, नाक से रिलीज करेंगे। हम मुंह से सांस ले रहे और यहाँ फोकस करते हुए पांच काउंट करके सांस को रोक रहे, फिर सांस को नोज से, नाक से निकाल रहे। आप आराम से एक बार देखिए, आइडिया हो जाता आपको। ये वाला मुद्रा में मैं ऐसे बैठ गई, चिन मुद्रा में पहले मुंह को राउंड करेंगे, रोल करेंगे, सांस ले लेंगे यहाँ फोकस करते हुए। फिर से देखिए,
और एक बार, समझ में आया ना? पहले मुंह को राउंड गोल घुमाया, फिर मुंह से स्लोली जितना धीरे हो सकता उतना पूरा बहुत सारा डीप में सांस लेके लंग्स भरना है। उस टाइम में हमारा ध्यान पूरा नोज, टिप ऑफ द नोज इधर रखेंगे, एंड इसके बाद 5 काउंट करेंगे। इसके बाद आग बंद करके स्लोली नोज से जितना भी सांस लिया है वो पूरा छोड़ेंगे। सेम प्रोसेस 5 राउंड करिए। मैंने 3 राउंड करके दिखा दिया आपको, 5 राउंड करिए, बस फायदा तो होगा। अब डेली योगा करते होंगे मेरे ख्याल में, योगा फॉर ब्रेन, ये वीडियो तो बहुत ही पॉपुलर हो गया, आप सब जने कर रहे बोल के भी लिखा है। योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स हो, कुछ एक्सरसाइजेस हो, पक्का डेली आधा घंटा समय निकाल के करिए। इसमें से काकी मुद्रा आप इंक्लूड करिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छा एकदम एक्टिव रखता है, आयु भी लंबा होगा, हेल्दी होगा लाइफ, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, बहुत सारे फायदे बताए ना। तो इसलिए ये वाला 5 राउंड करिए, ये ज़्यादा समय लेता ही नहीं, डजेंट टेक मच टाइम। आप देखिए, समय देखिए, प्रैक्टिस करिए ज़रूर, इसके बाद आप फायदे तो मिलेंगे आपको। सो आपका राय मैं जानना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अच्छा वीडियोस आपके सामने लाऊंगी, आपको हेल्दी रखने के लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैं करती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को ही हेल्दी रखना चाहती है इसी बारे में वीडियो से। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, अच्छा लगेगा, बट छोड़ना नहीं, एक बार शुरू करें तो छोड़ना नहीं, बिल्कुल डेली करिए। आप थोड़ा समय निकालिए, सपोज 6 बजे को उठ रहे हो, 5:30 को उठिए, अगर 6:30 को उठ रहे हो, 6 बजे को उठिए, आधा घंटा पहले उठ के थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, हेल्दी रहे तो उसका आनंद ही अलग है ना। नेक्स्ट टॉक में आएंगे अच्छा टॉपिक लेके, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड लक।